स्वागत है आप सबका मेरे संडे स्पेशल ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम तुरंत सो के उठे हैं और लेकिन मुंह धो चुके हैं और अभी अभी लाइन आया है गाइस। और मेरे फ़ोन का जो चार्ज है पूरा 5% हो गया है, तो सबसे पहले फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं गाइस और उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। देखो अभी नोटिफिकेशन भी आ गई है, चार्ज करो। तो देखो गाइस पीहू हेलो हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस मेरा नाम पीहू है, बोलो। हेलो गाइस बोलो बोलो बोलो। तो गाइस देखो फोन कोई देखी हुई है अभी तक, कौन है पीहू वाला? पीहू पीहू है। अभी तक 8 बज चुका है, अभी नाश्ता नहीं बना है। मम्मी बताएगी आज क्या नाश्ता बनेगा। सेबे सेबे बनाएगा सोयाबीन आलू। तो भाभी बोल रही है चिकन खाई है, चिकन खाएगी की ना ना किसी तरह का नाम नहीं रहा ना समझे ना खाना को भी जाओ पैसा आती तो आप बोली चले पसीने वाला टाइप हो सांस मुक्त है तो ना जान ले की कर दी मैं तो मम्मी हिंदी में बताओ इसका, आज वीडियो में बताएंगे इसका हिंदी में। चिकन खाएंगे बोल रही गाइस। अरे उतना पैसा है नहीं, साहिल को बेच के खाएंगे, हमको बेच के खाएगी। देखो कल कल के बड़े मुड़े रहा रानी के रानी जी, कल तो पूजा बुला, आज कल चिकन खाएंगे। तो देख समझ लो ना, चुपचाप देखो काद भैया। तो गाइस मेरा फोन 20% चार्ज हो गया है और मम्मी अभी इधर साग काट रही है। तो मम्मी सब हम लोग का बगान का साग है क्या? क्योंकि वो पास में भी आते हैं ना गाइस, तो लोग भी देखते हैं साग, मतलब वो लोग से खरीदते हैं। लेकिन अला हम लोग का बगान का साग है। क्या साग है मम्मी? हरा भाजी। हरा भाजी हरा भाजी। तो गाइस जैसे कल शिवरात्रि था तो हम लोग का यहाँ पे शिव मंदिर है, तो वहाँ से कल शिव जी का बारात निकला था। तो उसमें पूरा बहुत कोई मतलब भूत उत बने हुए थे और शिव जी भी बने हुए थे। तो आप लोग को वीडियो भी शेयर कर देंगे गाइस। तो हम तो वीडियो नहीं बना पाए, हमको उसके बारे में पता नहीं था। तो जब स्टेटस में देखे तो, क्योंकि बहुत लोग व्हाट्सएप में स्टेटस लगाए थे तो लोग स्टेटस में देखे तो हमको भी बहुत अच्छा लगा गाइस। और पता रहे तो जरूर जाते हैं हम भी वीडियो बनाने वहाँ पर और देखते कैसे क्या क्या बने हुए थे। ऐसे तो वीडियो में पता चल रहा पर क्लियर नहीं पता चल रहा। और मम्मी आपको पता है कि नहीं कल लोग ऐसे बना था भूत उत? कल तो यहाँ पूरा गोल से पूरा सरगंदा घुमा रहे थे लोग, कल पूरा सरगंदा घुमाया गया ऐसे लोग। लेकिन इधर हम लोग तो नीचे तरफ नहीं आया, ऊपर से किया सेंटर होके लोग पूरा उधर से गोल करके पूरा घुमाया है। बड़ा सी मंदिर गए यार, शाम को तो हम यहीं पर बैठे हुए थे घर में। घर में दिया सारा बात 12:30 बजे के बाद सोए हैं, दिया जला रहे थे, अभी तक जल रहा है दिया। तो गाइस आज भी बहुत कोई शिवरात्रि मना रहे हैं है ना। और भाभी उधर अभी सेवे लेके जा रही है, अभी बनाएगी सेवे। तो हम लोग का जो गाइस सेवे हम लोग दूध वाला नहीं खाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। बहुत लोग दूध वाला सेवे भी खाते हैं लेकिन कभी कभी हम लोग बनाते हैं दूध वाला सेवे। हाँ सगुन आई थी तब हम लोग दूध वाला सेवे बनाए थे और ऐसे हम लोग ऐसे ही खाते हैं पानी वाला। तो गाइस उसका तो चिकन खाने का इच्छा तो नहीं पूरा होगा। तभी तो उसको चिकन नहीं मिलेगा गाइस, भाभी को। हमको तो कल भी शिव मंदिर जाना है, आज तो नहीं खाएंगे चिकन हम। तो आज संडे गाइस इसीलिए पापा रहते तो अभी चिकन बनाते हैं या फिर अंडा कुछ भी बनाते ही अभी। लेकिन आज नहीं, अभी नहीं बनेगा, शाम में बनेगा डायरेक्ट। तो
तो अभी आया है गाइस सुमित लोग के घर में, सस्ता ब्लैकबेरी और हिंदी में से गाते तूत तूत। और ये है गाइस सिमरन, तुमको कभी ब्लॉग में दिखाया है हम? हाँ, तो ये सिमरन है गाइस, इसको देख लो ना। हेलो हेलो, मैं लिटिल स्टार में पढ़ती हूँ, बोलो उसे। हाँ, लिटिल स्टार स्कूल में पढ़ती हूँ मैं, क्लास। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, सस्ता ब्लैकबेरी ऐसे होता है, सस्ता ब्लैकबेरी सरकारी है। आप खाएंगे तो लीजिए, खा लीजिए, मैं भी खा लेता हूँ। मीठा है, मजा आ गया जी। तो ये देखो गाइस तूत का गाछ, जो लोग नहीं देखे वो लोग देख लो इसका। आप लोग कच्चा वाला खाओगे तो मर जाओगे खट्टा से। नमक मिर्चा लगा के बहुत अच्छा लगता है। अरे अरे देखो फरी खाइए। तो गाइस अगर इसको आप लोग ना जब काला हो जाएगा तब खाओगे तो बहुत मीठा लगता है, और ऐसे खाओगे तो बहुत खट्टा है, तो ऐसे मत खाना। और चिड़िया लोग भी खा रहे हैं हमारे साथ। आज का पेड़ सब जगह होता नहीं है गाइस। तो अभी सुमित लोग के घर में गए होते गाइस, और वहाँ पे देखे कि सब लोग दूध खा रहे थे, तो मैंने भी एक खा लिया। तो गाइस इसे हम ज़्यादा दूध खाते नहीं हैं, और ज़्यादा हम दूध खाए भी नहीं हैं, एक दो बार ही खाए हैं पहले भी। और ये गाय ये लगाच गाइस जब कंचन थी तब लगाई थी, अब कंचन तो यहाँ पे है नहीं, वो दूसरा जगह में रहती है अभी। तो गाइस अगर कंचन आप देख रहे हो वीडियो तो आ जाना दूध खाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा ही गाछ हो, तुम्हारे ही दूध का गाछ वाला, तो जब भी आना खा लेना। और गाइस पानी आ गया है और मैं अभी नहा लेता हूँ, क्योंकि कल से नहाए नहीं है, कल शिवरात्रि था फिर भी हम नहीं नहाए, क्योंकि हमको पूजा नहीं करना था इसलिए हम नहाए भी नहीं, और इसे भी कल नहाने का मन भी नहीं किया गाइस, क्योंकि ठंडा मेरे को लग रहा था। तो अभी जाके तुरंत नहा लेंगे गाइस, और फ़ोन को चार्ज में दे देंगे, और हम लोग आज चलेंगे शाम में छोलागोड़ा, क्योंकि बहुत टाइम से हम हुआ ना कि छोलागोड़ा भी गए नहीं है, तो छोलागोड़ा का भी याद आ रहा है, देखेंगे थोड़ा मैदान उदान घूमेंगे वहाँ पे। तो गाइस भाभी का चिकन खाने का इच्छा तो पूरा हो गया, भैया बाद में 12:30 के बाद में लेके आए थे। तो ये देखो गाइस, और अभी बज रहे गाइस 4, और हम और एक बार बात खा रहे गाइस चिकन के साथ, तभी हम नहीं खाए थे, ड्रोन के घर में टीवी देख रहे। गाइस छोलागोड़ा के मैदान पे पहुंच गए हैं, और देखा हम लोग का स्कूल, और देखा आज बच्चे लोग खेल रहे हैं फुटबॉल, क्योंकि आज बड़े लोग नहीं आए गाइस, क्योंकि आज संडे है ना, तो बहुत लोग आ जाते नहीं है खेलने के लिए, तो इसलिए आज बच्चे लोग खेल रहे हैं फुटबॉल वहाँ पे। तो गाइस आज एक तो बात याद आया कि अभी बेर का सीज़न जैसे चल रहा है, तो गाइस जब हम इस एला स्कूल में पढ़ते थे ओला में, तब सुभाष को आप लोग जानते हो गाइस, मेरे दोस्त थे, तो सुभाष हमेशा बोलता था चलो बेर खाने। जब भी टिफिन होता था ना गाइस, मतलब लंच टाइम होता था, तब हम लोग जाते थे बेर खाने, और हम लोग के पीछे तरफ बेर का गाछ है उधर में हम लोग जाते थे बेर खाने के लिए। तो सब दिन बहुत याद आ रहा गाइस, और अभी भी अगर सुभाष को लेके आएंगे ना तो अभी भी वही बोलेगा कि चलो बेर खाने जाएंगे। और अभी भी गाइस वो बेर खाते ही है, और अपने दोस्त लोगों के साथ जाता है बेर खाने के लिए, बेर तोड़ने के लिए। और बाकी गाइस हम यहाँ पे अकेले आए हुए हैं, तो हम अपने फेवरेट जगह ऊपर में बैठे हुए हैं, ऐसे तो फेवरेट पूरा मेरा छोलागोड़ा पूरा ही है। और आप लोग गाइस विश्वास नहीं करोगे, एक टाइम में हम सुमित और बिट्टू अभिषेक रोहन ये लोग सब हम लोग मिलके 10 राउंड मारते थे गाइस इस मैदान का। तो देखो गाइस आप लोग मैदान कितना बड़ा है, तो इसका हम लोग पूरा 10 राउंड मारते थे, 10 चक्कर ये भी बिना रुके। तो 10 राउंड मारने के बाद जो खुशी मिलता था गाइस वो बहुत ज़्यादा होता था, और इसके बाद बहुत ज़्यादा पसीना पूरा छूने लगता था एकदम, और पैर तो बोलो ही मत बहुत ज़्यादा दर्द देता था पैर। और लेकिन हम लोग का 10 राउंड पूरा करने रहता था रोज का, तो हम लोग 10 राउंड मारते थे डेली, और लेकिन 5 राउंड भी कभी कभी मारते थे, ऐसा नहीं है कि हर बार 10 राउंड हो। तो गाइस पर गाइस अभी तो हम लोग छोड़ दिया है दौड़ने के लिए, तो पहले तो यहाँ मस्त टाइप में पूरा दौड़ते थे रोज़ सुबह आके 4 बजे हम लोग यहाँ पे आ जाते थे दौड़ने के लिए। तो अभी छोड़े हुए हो गया हमको 1.5 साल जैसे हो गया छोड़ के यहाँ पे,
और अभी दौड़ेंगे तो कम से कम 3 से 4 राउंड मार पाएंगे गाइस। तो हम सोच रहे कि जब इंटर का एग्ज़ाम कंप्लीट कर ले तो उसके बाद फिर से दौड़ने आए, और 2 राउंड में मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो कुछ पहले पुलिस का तैयारी करते थे कर रहे थे इसीलिए हम यहाँ पे दौड़ने आते थे। अभी 2 राउंड में मारेंगे तो चलेगा, क्योंकि उस टाइम हमको 1 किलोमीटर दौड़ना था। मतलब अगर आप इस मैदान का 4 राउंड मार दोगे तो आपका 1 किलोमीटर कम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि मैदान बड़ा भी तो है गाइस बहुत। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।